नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों आज मैं आपको वाइल्ड हिमालयन फ्लावर बिगोनिया के एक स्पेसिफ बिगोनिया डीओइका से परिचित करा रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेड कलर का इसका फ्लावर का स्टॉक दिख रहा है और लीफ का जो स्टॉक है उसका भी बेस रेड होता है। इसके फ्लावर आप देखिए ये मेल फ्लावर हैं पिंकिश वाइट कलर के, जिसमें दो पीटल्स बड़े हैं आउटर और दो इनर साइड के छोटे हैं। ये मेल फ्लावर हैं और फीमेल फ्लावर जो इसके हैं वो नीचे के साइड में है और उसमें थ्री पेटल्स होते हैं, इसलिए इसको थ्री पीटल बिगोनिया भी कहा जाता है। आप इसका ये स्टॉक देख सकते हैं, ये फ्लावर और पौधा आप इस तरह से देख के पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो हर्ट शेप्ड होती है, ओवेट हैं और ये इसका आप देख सकते हैं स्टॉक है और लीफ। हाँ ये देखिए आप इसके, ये इसका कैप्सूल है जो थ्री विंगेड है और इस तरह से आप इसके कैप्सूल को देख सकते हैं। इसका फूटिंग रखी है। जो फीमेल फ्लावर होते हैं उसमें थ्री पीटल्स होते हैं और इस स्पीसीज को थ्री पीटल बिगोनिया के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय रीजन में ये 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊँचाई वाले इलाकों में जो मॉइस्ट सैडी एरियाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के इनके लीप और ये जो साइज़ अगर आप देखेंगे तो देखेंगे, ये देखिए आप इसके कैप्सूल और कैप्सूल के हेड पे फीमेल का फ्लावर का ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है। ये थ्री विंगेड फ्रूट्स हैं, इनके कैप्सूल इस तरह से होते हैं दोस्तों। और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो बैक साइड से देखने पर कलरफुल नहीं होती हैं और ये हेयरलेस होती है। इसका स्टॉक भी हेयरलेस होता है, लीफ भी हेयरलेस होती है, जबकि दूसरी स्पीसीज जो बिगोनिया की पाई जाती हैं उनमें हेयर्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाने वाला एक वाइल्ड हिमालयन फ्लावर है और ये 10 से 22 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो सकता है और आप देख सकते हैं इसकी लीव्स जो हैं वो हेयरलेस हैं और इनका जो फ्लावर का स्टॉक है, इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक है या लीफ का जो स्टॉक दिख रहा है वो किनारे बेस की तरफ रेडिश है, ऊपर की तरफ वाइटिश है। दोस्तों बहुत ही शानदार फ्लावर इसके निकलते हैं रेनी सीजन में और फ्लावरिंग इसकी जुलाई अगस्त के महीनों में होती है। अभी सितंबर के मंथ में भी इसमें कुछ फ्लावरिंग दिख जाती है बट मिड जुलाई के बाद से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह का ये पौधा होता है और हिमालयन रीजन में जो स्लोपी एरियाज़ हैं वहाँ पर ये पाया जाती है। ये मेल फ्लावर है दोस्तों, तो इसमें जो कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये देखिए आप इसकी लार्ज कॉलोनी है बिगोनिया डीओइका की। पूरी दुनिया में बिगोनिया की लगभग 2500 स्पीसीज पाई जाती हैं और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पौधे हैं, वाइल्ड पौधे हैं। आप देख सकते हैं ये स्लोपी एरियाज़ है और यहाँ पर जहाँ पे नमी अधिक है ये पौधे स्वतः ही उगे हुए हैं। ज़मीन के अंदर इनके छोटे बल्ब्स होते हैं और इन्हीं बल्ब्स की मदद से ये प्रोपोगेट करते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।